अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? बी एस ए ठीक है और सुनाए कमेंट्स। एक बंदा कमेंट्स किया कि जिस्ट के साथ तांबा कैसे गोल्ड हो सकता है, वो तो पीतल बन जाएगा। क्या बात है तेरे इलम पे, तेरी सोच पे, जब किसी बात का पता ही नहीं है तो कोई फायदा? ठीक है ना, वैसे ही बहस करनी है तो बात करने का मकसद होता है, जो बात होती है उसमें कुछ होता है, करने वाले में कुछ नहीं होता। कुछ हो तो फिर कर ले, मेहनत की जाती है, साल लगते हैं, आ जाएं और करें और हो गया, वाह। नहीं भाई, एक से दूसरी बनती है, दूसरी से तीसरी बनती है, तीसरी से चौथी बनती है, फिर अक्सीर बनती है, फिर काम होता है। न्यारे का ही नहीं पता, जस्ट बनाकर भी फिरते हैं, नहीं पता तांबे को कैसे शमस करना है, तो फिर आप हम क्या करें? तो फिर मैं ऐसा नहीं हूं कि मैदान से भाग जाऊं, मेरे साथ बात करो, मैं उसका जवाब दूंगा, समझाऊंगा ये चीज कैसे होती है। ठीक है ना, तो फिर वैसे ही बात कर दे, नहीं अल्लाह ताला हदायत। आज मैं आपको नीला बाग करंट या मैं बता रहा हूं, इस पर अमल करके देखें। एक रुको मैंने सत्यानासी के लुगदे में बनवाया है, फूल कर कुश्ता हुआ है। अब जो चीज फूल कर कुश्ता होती है, कीमियागर से पूछो उसकी ताकत क्या है। बकैन देखिए, बकैन एक नीम होती है, एक बकैन होती है, एक गुमी होती है। बकैन लेनी है जिस पर डोडियां लगती हैं, बांटे जैसे डोडियां लगती हैं, पाओ का लुगदा कर ले उसके पत्तों का, दो तोले की डली नीले की उसमें रख कर आधा किलो की आग दे दे। ये पांच अमल करने हैं, दो तले नीला और एक पाओ का लुगदा बकैन के पत्तों का, आधा किलो की आग है, हर आग आपने बढ़ानी है। ठीक है, पाओ बढ़ानी है, यानी पहली आग आधा किलो की, फिर तीन पाओ की, फिर किलो की, फिर सवा की, ऐसे हर आग आपने एक पाओ बढ़ा देनी है आधा किलो के बाद। पांच आग दे, आपका नीला बाग करंट होगा। अब इस्तेमाल का पता है, ये एक तोला नुशादर पानी तोला के साथ इसको पीस लें, बगैर तशवीये के ये उसको कायम कर देगा। कोई भी तेल है, अगर जो आपका हवाई तेल है उसको आग पे रखें, आग जलाएं, ठीक है, इसका एक तोला उसको दे दें। अगर पाओ है, डेढ़ पाओ है, आधा किलो है, उसको जारी भी कर देगा, अगवासी भी कर देगा, कायम भी कर देगा। ये नीले की ताकत है। अगर पांच अमल से भी नहीं बनता, छठा करें, सातवां करें, मेहनत करें ना। और भी तरीके मेरे पास बहुत से हैं, 10-15 तरीकों से नीला कायम होता है, जो कैमो नार है, ये खुराकी भी है जनाब, ये खशखाश के दाने के बराबर इसकी खुराक है, न मर्द के लिए उसको मर्द कर दे, एक ही काफी है अगर नीला बाग करंट बन जाए। ठीक है, ये तो बगैर किसी चीज की हो जाता है, मैं कोई चीज नहीं लगाता, मैं नीले को कायम कर देता हूं। फिर ये अपना अपना फन है, अल्लाह ताला ने अता किया है जिसे, वो ही करते हैं, जिसको अता नहीं होता तो वो नहीं कर सकते। अता का होना इसमें जरूरी है, हर बंदे के पास अता नहीं है। हाँ, जो मेहनत करता है अल्लाह ताला फिर उसको कामयाबी अता करता है। अब ये जो नीला आपका बाग करंट है, इसको इस्तेमाल करें, इससे फायदा उठाएं। बकैन एक दरख्त है जिस पर डोडियां लगती हैं, एक नीम है, एक गुम्मी है, एक बकैन है। मैंने जो बात की है बकैन की है, ये तवे पर भी हो सकता है, जस्ट इसको उसके बनाकर ना उसका लुगदा दरमियान में रखकर इसको दो काने की आग पे पकाना है, पासे बदलने हैं उसके, ये कायम हो जाएगा नीला, फिर आपका काम भी करेगा। तो जनाब रब रख।